नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेके रोबोटिक। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं, आईपी यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी से मेरी दुकान यानी कि रोबोटिक शॉप लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप कुछ भी रोबोटिक से रिलेटेड सामान खरीदना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करके जेके रोबोटिक आप मेरी दुकान पर आ सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ खास बातों पर बात करते हैं। इस कैंपस में लगभग 2400 विद्यार्थियों को शिक्षा मिलेगी। कैंपस में 21वीं सदी के लगभग सभी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कैंपस का सिलेबस तैयार किया गया है। सूत्रों के अनुसार इस कैंपस में रोबोटिक, ऑटोमेशन, डिज़ाइनिंग एंड इनोवेशन जैसे सब्जेक्ट विद्यार्थियों को पढ़ाए जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए बीटेक इन रोबोटिक एंड ऑटोमेशन, बीटेक इन एआई और डाटा साइंस, बीटेक इन एआई और मशीन लर्निंग, बैचलर इन डिज़ाइनिंग जैसे कोर्स पढ़ाए जाएंगे। इस कैंपस की कुछ खास बातें हैं। यह कैंपस पूरी तरह इको फ्रेंडली है। यह कैंपस अपने लिए खुद बिजली पैदा करेगा सोलर पैनल की सहायता से। वहीं यह कैंपस इको फ्रेंडली होगा। इस कैंपस में जीरो सीवरेज डिस्चार्ज के साथ जल संरक्षण भी किया जाएगा और इस कैंपस में इस्तेमाल होने वाले पानी का उपचार समाधान करके बागवानी यानी कि पेड़ पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अब इस यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले कड़कड़डूमा कोट, ध्यान रखें, कड़कड़डूमा कोट मेट्रो स्टेशन पर पहुंचना है। कड़कड़डूमा दो मेट्रो स्टेशन है, एक कड़कड़डूमा कोट और एक कड़कड़डूमा गांव, जैसा कि इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है कड़कड़डूमा कोट का मेट्रो स्टेशन। इस मेट्रो स्टेशन से उतरेंगे, ये वीडियो मैंने थोड़ी सी स्लो कर दी है ताकि आपको स्क्रीन पर पूरा दिखे। इस मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद आप चाहें तो लिफ्ट की मदद से भी उतर सकते हैं, चाहे सीढ़ी से उतर सकते हैं, ये आपके आप पर डिपेंड करता है। स्टेशन से उतरने के बाद आपको उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ कड़कड़डूमा कोट दिखाई देगा। ये है कड़कड़डूमा कोट जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ से आगे चलने पर आपको 10-15 मीटर की दूरी पर एक रेड लाइट दिखाई देगी जो कि फ्लाईओवर के नीचे ही आ रही है, यानी कि मेट्रो लाइन के नीचे ही आ रही है, जो इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ये इस समय ग्रीन लाइट हो रखी है। आप कॉलेज तक पहुंचने के लिए सीधा भी जा सकते हैं और लेफ्ट टर्न भी ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं लेफ्ट टर्न ले रहा हूं, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ चल रहा हूं। एक रास्ता थोड़ा छोटा है और एक रास्ता थोड़ा लंबा है। लंबा रास्ता आपको आबादी की तरफ से ले जाएगा, शॉपिंग करते हुए जा सकते हैं, लेकिन जो छोटा रास्ता है वो बिल्कुल रोड है, कोई आपको वहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। रेड लाइट से उल्टे हाथ की तरफ होना है। आगे जाने पर थोड़ी सी दूरी पर लगभग 15-20 मीटर की दूरी पर आपको सीधे हाथ की तरफ BSES का ऑफिस यानी कि दिल्ली विद्युत विभाग का ऑफिस मिलेगा। उसी के सामने कड़कड़डूमा का गेट नंबर 2 यानी कोर्ट का गेट नंबर 2। थोड़ा सा आगे चलने पर एक और चौराया आएगा। उस चौराहे को क्रॉस करने पर आपको सीधे हाथ की तरफ पेट्रोल पंप दिखेगा, उल्टे हाथ की तरफ हाउस टैक्स का ऑफिस दिखेगा। आप अगर इस रास्ते से आते हैं तो आपको हरियाली यानी कि पेड़ पौधे, ऑक्सीजन सब कुछ मिलेगा। पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे आते ही आपको श्री पशुपतिनाथ का मंदिर दिखेगा। कॉलेज की तरफ आते हुए अगर आपको ये
जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो में वो सब दिख रहा है, तो यानी कि आप सही सही रास्ते पर आ रहे हैं, आपका रास्ता बिल्कुल सही है। पशुपतिनाथ मंदिर से थोड़ा सा आगे आने पर आपको उल्टे हाथ की तरफ एक कॉलेज दिखेगा, जो कि अकाउंट से संबंधित एक कॉलेज है। कॉलेज के बोर्ड पर लिखा हुआ है अकाउंट ऑफ इंडिया। आगे का मैं भी नहीं पढ़ सका। थोड़ा सा उससे आगे ही आते ही आपको फिर उल्टे हाथ की तरफ एक गवर्नमेंट स्कूल दिखेगा, जो कि पहली कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक का है। बस अब हम अपने टारगेट पर पहुंचने वाले हैं, यानी कि गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी पर पहुंचने वाले हैं। ये है वो स्कूल जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। स्कूल से थोड़ा सा आगे आते ही आपको टी पॉइंट पर सीधे हाथ की तरफ फायर ब्रिगेड का ऑफिस मिलेगा। उसके बिल्कुल सामने एक बिल्डिंग दिख रही है, जो कि आपका टारगेट पॉइंट है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी, जो इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रही है सूर्य भगवान के साथ में। अब हम इस रोड से हल्का सा राइट लेंगे, यानी कि राइट की तरफ मुड़ेंगे। राइट की तरफ मुड़ने पर मैक्सिमम 100-150 मीटर की दूरी पर इस कॉलेज का मेन गेट आ जाएगा, जो कि गेट नंबर 2 है। गेट नंबर 1 इसके बिल्कुल बैक साइड में है। उसका रास्ता जहाँ से हम शुरू हुए थे कड़कड़डूमा रेड लाइट से, वो सीधा सीधा आएगा, तब आप गेट नंबर 1 पे पहुँचेंगे। अगर यहाँ से भी जाना चाहो तो यहाँ से भी टर्न लेके आप गेट नंबर 1 तक पहुँच सकते हो दोस्तों, क्योंकि अगर मैं दूसरे रास्ते से भी वीडियो बनाऊँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट करें, तो फिर मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा, दूसरे रास्ते का वीडियो, मतलब आप इस कॉलेज में दूसरे कौन से रास्ते से आ सकते हैं, गेट नंबर 1 पर या गेट नंबर 2 पर। ये अब हम अपने टारगेट की तरफ पहुंच चुके हैं। भविष्य में लाखों बच्चों का भविष्य यहाँ से सेट होगा। पढ़ लिख कर वो इंजीनियर, आईटी जॉब, बाहर इंडिया में कहीं भी जॉब कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक जिन भाइयों का इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, होने वाला है, या कल एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, उन सभी को मेरी शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। अब ये हम अपने पूरे टारगेट पर पहुंच चुके हैं। ये है दूर से व्यू, आपने ऊपर से साइड से हर एंगल से स्टार्टिंग में देख लिया है कॉलेज। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे सुबह 7 बजे अपने घर से निकलना पड़ा, क्योंकि बाद में यहाँ ट्रैफिक बहुत हो जाता है। अभी भी ट्रैफिक है 7 बजे के आसपास भी, जैसा आपने लोकेशन में देखा होगा। जिस समय मैंने लोकेशन डाली थी इसकी, तो आपको साइड में टाइम दिखा होगा दोस्तों। ये रहा आप लोगों का टारगेट, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गेट नंबर 2। आपसे पुनः निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। दोस्तों एक बार गूगल मैप की सहायता दोबारा से ले लेते हैं। कॉलेज के गेट के सामने हमने अपना दूसरा मोबाइल रखा। यहाँ पर बैठकर हम सर्च करेंगे नियर बाय रोबोटिक शॉप। सर्च करने पर आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है नियर बाय रोबोटिक शॉप मी, मतलब जिस जगह मैं बैठा हूँ वहाँ पर कौन सी शॉप आसपास है, तो ये आपका अपना दोस्त जेके रोबोटिक सामने है आपके। इसको टच करने के बाद आप मेरी लोकेशन, मेरे फ़ोन नंबर, अगर आप फ़ोन करना चाहें तो फ़ोन नंबर दिया हुआ है गूगल के थ्रू, लोकेशन आपके सामने है, आप भी चेक कर सकते हैं अपने फ़ोन में डाल के। इस कॉलेज के गेट से लेके मेरी शॉप तक का डिस्टेंस 7 मिनट का है, जो कि 3 किलोमीटर गूगल के हिसाब से दिखा रहा है। वैसे मेरे को इतना टाइम नहीं लगा। यहाँ तक आने के, मेरी शॉप से लेके यहाँ इस कॉलेज तक आने के 2 रास्ते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। रेड लाइट से दोनों रास्ते डिवाइड हो जाते हैं। एक थोड़ा आबादी की तरफ है जहाँ से हम आए हैं, और दूसरा रास्ता रोड है।